नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज पर। चुलबुल पांडे का मुन्ना बदनाम हुआ इंटरनेट पे हुआ हिट। दबंग 3 का नया गाना मुन्ना बदनाम ने मचाया धमाल। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म सीरीज दबंग एक बार फिर दर्शकों का दिल चुराने के लिए तैयार है। अभी वक्त है दबंग 3 को रिलीज होने में, पर इस फिल्म का नया गाना मुन्ना बदनाम हुआ रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। दरअसल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का नया गाना मुन्ना बदनाम हुआ रिलीज कर दिया गया है। यहां आपको ये भी बता दोगी, कंपोजर्स ने गाने के म्यूजिक में बुनियादी बदलाव करते हुए इसे लगभग उसी ट्रैक पर लाने की कोशिश की है जिस पर साल 2010 में आए फिल्म दबंग के गाने मुन्ने बदनाम हुई को रखा गया था। 4 मिनट 6 सेकंड के इस गाने का फुल ऑडियो रिलीज कर दिया गया है। हालांकि गाने का वीडियो मेकर्स ने अभी भी जारी नहीं किया है। वैसे इस गाने को आवाज ममता शर्मा, कमाल खान और बादशाह ने दी है। वहीं से लिखा है दानिश शबरी ने और गाने को संगीत साजिद वाजिद ने दिया है। इस गाने में बादशाह का रैप मसाले का फुल तड़का लगा रहा है। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म दबंग में शामिल किए गए आइटम नंबर मुन्नी बदनाम हुई में ममता शर्मा ने अपनी आवाज दी थी और दबंग 3 के इस गाने में भी फीमेल वॉइस ममता शर्मा की ही है। वैसे हमें पता है कि मुन्नी बदनाम हुई उस वक्त बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और अब तकरीबन 9 साल बाद मेकर्स मुन्ना बदनाम हुआ लेकर आए हैं, जो कि एक जबरदस्त पार्टी नंबर साबित हो सकता है। इस तरह दबंग 3 रिलीज होने से पहले अपने गानों की वजह से लोगों के दिलों पर छा गया है और लोगों को उम्मीद है कि दबंग दबंग 2 की तरह दबंग 3 भी मेगा हिट साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आप कितना एक्साइटेड है चुलबुल पांडे की दबंग 3 को लेकर, साथ ही इसके गाने मुन्ना बदनाम हुआ को लेकर, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें आप हमारे चैनल टुडेज न्यूज पर। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।